guys, it's Devina and welcome back to my channel, The Hapiness Cocktail. I hope you guys are doing fine and having a great time at your home with your family and enjoying some quality time. So guys, ये मतलब मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग जब ज़मीन में बैठेंगे चिट-चिट करेंगे. अगर आप वहाँ पर हैं तो आप अपना टी या कॉफ़ी जो भी है ग्रैब करके लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट सम स्टफ्स विच वी कैन डू इन क्वारंटाइन के टाइम पे, सेल्फ आइसोलेशन के टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगा, बट फिर भी अ जेंटल रिमाइंडर मेरी तरफ से आपके लिए. ये मेरा काम है कि मैं वीडियो बनाऊँ और एंटरटेन करूँ लोगों को. कोशिश कर रही हूँ इस वीक में बहुत सारे वीडियोस डालूँ. सो ये मेरा एक काम है. सो प्लीज़ इसे कंसिडर करिएगा और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अगर आप कुछ पॉइंट मिस आउट कर दिए होंगे तो आपको मेरे वीडियो के बाद याद आ जाएगा और आप स्टार्ट कर देंगे वो करना. एंड या बहुत बोल दिया मैंने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन मेरा नाम देविना है. मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ट्रैवल और लाइफ स्टाइल के ऊपर. चेक आउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल. आई होप यू कैन आई लव इट. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मेरे कुछ वीडियोज़. डू चेक दैट एंड शो मई सम लव. सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हैं तो. रेड सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करना और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ताकि यू विल गेट ऑल माई न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन. या without any further ado, let's get started to the video now. So okay, so coming to the first point, मतलब हम लोग जब बच्चे थे हम लोग कितना सारा गेम खेलते थे. तो I just want to say कि गेम खेलिए. अगर आप और आपके मतलब हस्बैंड है या बहन या भाई जिसके साथ भी आप रहते हैं उसके साथ गेम खेलेगा. मैं और मेरा पति हमेशा अभी लूडो खेलते रहते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्लीन योर हाउस, क्लीन योर बेडरूम और समथिंग लाइक. बट आई टेल कि एक दिन में सारा कुछ करने की कोशिश बिल्कुल मत करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आज सोची, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सुबह सोचा था कि आज मैं अच्छे स्टार्ट करूँगी और आज मैं किचन लूँगी. तो मैंने किचन का जो ऊपर वाला भाग रहता है ना वो स्टार्ट कर दिया मैंने क्लीन करना. सो गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं लास्ट ईयर से करती आ रही हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइज अस वेल टू डू दैट, लिसन टू पॉडकास्ट, लिसन टू ऑडियो बुक. ओ माई गॉड, इट विल चेंज योर मूड, इट विल चेंज योर परस्पेक्टिव, इट विल चेंज योर थिंकिंग गाइज. मतलब मैं जितने बार भी मतलब कुछ भी सेल्फ केयर का सेल्फ पॉजिटिविटी की बात आती है मैं हमेशा ये पॉइंट ऐड करती हूँ गाइज, क्योंकि ये मैंने बहुत अपने चेंजेस देखे हैं जब से मैं ऑडियो बुक सुनना चालू करी हूँ. पहले मैं ऑफिस जाते आते मैं सुनती थी, अब मैं जब वॉक करती हूँ तब सुनती हूँ, मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ तब सुनती हूँ. मतलब मैं मुझे वो होता है मैं कब सुन कब से मुझे ख़त्म करना है. तो मैं अभी पॉडकास्ट में जो स्पॉटिफाई है उसमें मैं द रणवीर शो सुन रही हूँ. ऑल्सो आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस स्पॉटिफाई और ऑडिबल के लिए. तो वो मैं जल्दी बनाऊँगी, अपने पति को कैच आउट करती हूँ और स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, इंडोर वर्कआउट. लाइक बहुत मतलब मैंने जनवरी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में और कहीं भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था कि मुझे एक्सरसाइज करना है और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कर रही थी. और अभी कोरोना वायरस के कारण अभी इंडोर एक्सरसाइज चालू कर दिए हैं एंड वी हैव एन नंबर ऑफ वीडियोज फॉर देट टू गेट ट्रेन इन इंडोर. आई ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड है या आपका हस्बैंड है तो साथ में करिएगा, बहुत सही होता है. मतलब आप जब एक साथ वर्कआउट करोगे ना तो आपको लगेगा कि उसने वो कर पा रहा है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. तो ऐसा होता है. तो इसलिए मेरा तो मेंटर ही मेरे हस्बैंड है. तो या नेक्स्ट पॉइंट गाइज, रीड समथिंग. ओ माय गॉड, मतलब ऑडिबल और रीडिंग जो है ना ये दोनों चीज़ मतलब बहुत हैंड टू हैंड जाती है, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. और आपको अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट गो आउटसाइड एंड परचेज बुक. ओके, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी वो नहीं बोल रही हूँ मैं. किंडल भी नहीं है, दैट इज़ वेल, कुछ नहीं होता उससे. आप एक ऐप होता है इंस्टॉल कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए बुक रीड करना. आपको बस जो फ्री बुक्स होंगे उससे स्टार्ट करिए, छोटे छोटे बुक से स्टार्ट करिए. आपका 2-3 घंटा तो शॉर्ट आउट है इसमें. अगर आप एक बार रीड करना स्टार्ट कर दोगे और अच्छी बुक कोई पढ़ रहे हो तो फिक्शन बुक कर पढ़ती हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे. अगर आप फिक्शन भी पसंद करते हैं तो इट्स वेरी गुड, उसमें तो और ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है क्या होगा करके. सो या दैट इज़ गुड. एंड अगर आपके पास बहुत सारी मतलब बुक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 3-4 साल पहले, उसे भी निकालिए बाहर और उसको भी रीड करिए. आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे. अरे वाह ये हुआ था, अरे वाह ये पॉइंट तो मैं भूल ही गई थी.
नेक्स्ट पॉइंट को भी मैं इतना ज़्यादा जोर दे रही हूँ ना, जब से ये सेल्फ आइसोलेशन वाली बात चल रही है ना, तब से मैं बोल रही हूँ सेल्फ केयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने उसका एक वीडियो भी बना लिया, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके लिए। सीरियसली गाइस, अगर आपको हमेशा ये होता है कि आप अपने फैमिली के लिए टाइम देते हैं, आप अपना घर ठीक करते हैं, लेडीज़ का तो वही होता है हमेशा कि आप घर ठीक रहें, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, बट ये जो टाइम है बहुत कुछ आपके पास करने को, तो आप सेल्फ केयर पर ज़रूर ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आई हाईली रिकमेंड फॉर यू गाइस कि वो ज़रूर थोड़ा सा फेस पैक लगा लिया या पेडिक्योर मैनिक्योर घर में कर लिए, बहुत आपको ही खुद बहुत अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू योर फ्रेंड्स, मतलब आप हमेशा कॉलेज फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स से बहुत टाइम हो गया है अपन को, ऐसे ही होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता, बट अभी अपने पास बहुत टाइम है। वीडियो कॉल करो, फ़ोन कॉल करो यार, उनसे बात करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ है उन लोगों, शादी हो गई क्या, सब कुछ पूछ लेना, मस्त बच्चे अच्छे हो गए क्या, सारी बात करना। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्राई मेकिंग विजन बोर्ड। अगर आपने अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया 2020 के लिए, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू कैन थिंक एंड यू कैन मेक विजन बोर्ड लाइक वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, योर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल। आई एम जस्ट डूइंग दैट ऑन माई बुक, आई हैव ऑलरेडी डिड दैट बोर्ड चार्ट, बट या आई वॉन्ट इट टू इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन सी दैट एवरी डे। ट्राई न्यू रेसिपीज गाइज, ट्रस्ट में जब से ये चालू हुआ है ना, मैं हमेशा मतलब डेली अल्टरनेट डेज में तो नया रेसिपीज बना रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मेरी छुट्टी थी तो आज मैं पाव भाजी बनाई थी, मतलब ये सब चल ही रहा है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा खाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, राजमा हो गया और मशरूम शिमला मिर्च बनाया मैंने, मैं क्या कुछ नहीं बना रही हूँ इतने सारे। अगर आपको जानना है और कुछ मेरे इस बारे में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आप पूरी मेरी लाइफ देख सकते हैं कि मैं कहाँ अप टू हूँ। सो डू फॉलो मी देयर इफ यू आर नॉट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लाइक सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट या दैट्स वाई आई मेक वीडियोज कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट है लर्न न्यू थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम इन टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, सो अभी मैं करेंटली लर्न कर रही हूँ जो मेरे को आगे जाके कुछ हेल्प होगा। सो मैं अभी पाइथन फ्रेमवर्क होता है तो वो मैं लर्न कर रही हूँ। सो ऐसे ही कुछ भी आप नया कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर आपको अगर स्केचिंग में है, म्यूजिक में है, पेंटिंग में है, तो वो आप कुछ भी सीख सकते हैं, नया लैंग्वेज सीख सकते हैं गाइज, चाइनीज स्पेनिश व्हाटएवर इट इज मैन गाइज। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग इट। Like we have proper food, we have proper place to stay, we have our friends and family, they are safe, so we are so grateful guys. Think about people who are not that, they don't have place to stay, they don't have proper food to eat, it's like they can't wash their hands in all, very often like us, we can do. So guys, please be grateful for everything in your life or start writing that. Like at least आप सुबह उठते हो तो एक दो तीन पॉइंट बस याद ऐसे करके बैठ जाओ और गॉड्स प्रे कर लो या फिर लिख लो। मैं तो लिखती हूँ, मेरा ग्रेटफुल में एक पन्ना पूरा खत्म हो जाता है, मैं इतने सारे लिखती हूँ। सीरियसली नॉट किडिंग यू गाइस, ट्रस्ट मी आई डू दिस एवरी डे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सो फन दैट्स आई एम डूइंग करेंटली, आई डू दिस एवरी डे, मेक टिकटॉक वीडियोज and I want to become so famous on TikTok. Guys, TikTok is like a jam. It's so good यार, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत TikTok videos बनाने में। अगर आप नहीं बना रहे हो तो आ जाओ यार TikTok में, follow करना मुझे, let's make some videos together. मेरा ID the happiness cocktail है गाइज। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने मेकअप ब्रश को, अपने टेबल को, अपना कंप्यूटर, अपना फ़ोन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब ऐसा होता है ना, मतलब डेटा की कमी होती है और अपने पास टाइम ही नहीं होता कि उसको डिक्लटर करें, तो अभी बहुत बेस्ट टाइम है। मैं कल ही अपना फ़ोन क्लेम कर रही थी, बहुत सारे अनवांटेड जो एक फ़ोटो में 50 बार लेती हूँ वो मैंने सारे डिलीट किए, और जो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया। सो ये सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मेडिटेट। I follow Sadhguru on that daily. Me and my husband will sit for 20 minutes and do meditate. It changes so many things inside me. I am following this for last 1 year. मतलब मैंने 1 year से मैं follow कर रही हूँ. It had changed so many things inside me. So I'll urge you guys to please do it. Let's try it together for at least 5 minutes every day. Last point I'll tell, avoid social media guys. It's not at all like
कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लोग गलत बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उसको मत फॉलो करिए, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपको बस एंजाइटी होगी और आप अपना कॉन्सेंट्रेशन कहीं और रख दोगे, प्लीज़ उस सारी चीज़ों से बचो। या गाइस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइस फॉर टुडे। आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया और आप वो सब कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, आई वॉन्टेड टू नो दैट एज वेल। आई लव यू गाइज एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घर में रहना, मज़े करना, आराम से खाना पीना, ऐश करना, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, लव यू।